सरहद कैसी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं अमृत सदेवा आज आपको अपने विशेष कॉलम प्रत्याशी से मुलाकात में आपको मिलवाने जा रहा हूं। फाजिलका में वार्ड नंबर 12 से भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी पूरन चंद जसूजा जी के साथ। आइए सर, नमस्कार जी। आज हमने अपना थोड़ा सा टाइम बदला है। पहले हम प्रत्याशी के घर जाकर या प्रत्याशी को अपने कार्यालय में बुलाकर मुलाकात करते थे, आज हम उनके वार्ड में पहुंचे हैं। साथ में वार्ड की समस्याओं का जिक्र करेंगे, उनके विजन के बारे में बात करेंगे और साथ ही जानेंगे उनके इस चुनाव लड़ने के मुद्दे क्या हैं। जी सर। सर, मैं मौजूदा MC रहे हैं, साड़ी टर्म दो हज़ार बीस खत्म हो गई थी। मैं वार्ड वासियों की दिलों सेवा की है, 100% मेरी सीवरेज व्यवस्था, 100% सफाई व्यवस्था, 100% स्ट्रीट लाइट, 100% पेंशन बुढ़ापा, 100% विधवा पेंशन है। मैनू सर किसी के घर जाने की जरूरत नहीं पैंती। मैं जो भी ऑब्जर्व करता है कि ये मतलब बुढ़ापा पेंशन के योग है, तो मैं उन्होंने डंडियां खुद लैके खुद लाइन चलाना। जिन्ना चेर उन्होंने पेंशन की सही नहीं कम हो जाता उन्ना चेर मैं करती हूँ जी। ये मेरा वार्ड बोलता है। अच्छा, ये तो ना आम पार्षद के जो कर्तव्य होते हैं जिनका आपने जिक्र किया है, आपने विशेष तौर पर इस वार्ड के लिए क्या किया वो थोड़ा हमारे पार्षदों के दर्शकों को बताइए। सर, विशेष तौर पर ये पहले रामपुरा रकबे में आता था, गाँव में आता था, इसको हमने पहले शहर में म्यूनिसिपल कमेटी के दूध में लाए जी। उसके बाद हमने पहले दो टर्म में MC बने, उन्होंने कोई विकास कराया नहीं कराया। ये जो आप सड़कें देख रहे हो ये मेरी टर्म में ही है। हाँ जी, तो इसके अलावा और क्या खास रहा है? और खास वार्डवासी संतुष्ट हैं हमसे, हमने सेवा की वार्डवासियों से दिल से। अगर अगर हम सफाई व्यवस्था की बात करें तो उसके सुधार के लिए आपने विशेष तौर पर क्या कहा? वो टाइम टू टाइम हम आपने खुद की रक्षा बनवाई, किसी टाइम नहीं शिफ्ट पर आते थे तो हमने खुद की रक्षा बनवाई थी। 2 साल हमारी रक्षा चली, उसके बाद सरकार बदल गई, सरकार आते ही कांग्रेस की सरकार ने हमारे वो रक्षा बंद करवा दी। कारण यही भी वोटिंग है, अभी वोटिंग ना ले जाइए। अच्छा, मतलब कि आपने अपने खर्च पर एक रिक्शा शुरू करवाई थी कचरा उठाने के लिए, उसको कांग्रेस ने बंद करवा दिया। अब आप किन विजन को लेकर, किन वादों के साथ क्या समस्या आप मानते हैं? देखो, सफाई व्यवस्था है, टाइम टू टाइम हम करवाते रहते हैं, फिर भी थोड़ा सा बोर्ड ना हो तो उतना काम होता नहीं। कुछ पीछे बेरियों में प्लाट कटे हैं, उसका भी हमने मतलब डलवाया और डॉक्टर से बात है, लेकिन ये कांग्रेस सरकार उनका टेंडर नहीं करवा रही। अच्छा, तो अब आपको क्या विश्वास है कि कांग्रेस ने जो काम पहले नहीं करवाए अब क्या आपका बोर्ड बन जाएगा? देखो, हम अपनी हिम्मत कर रहे हैं, वार्डवासी हमसे संतुष्ट हैं, हम घर घर जाकर वोटर की बेनती लगा रहे हैं, हमने काम किया है, काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। तो आप अपना मुख्य मुकाबला किन के साथ मानते हैं? देखो, मुख्य मुकाबला भी किसी के साथ भी नहीं है, क्योंकि 5 प्रत्याशी हैं, वोटर भी साइलेंस है, इसमें कोई एक आदमी ये नहीं कह सकता लेकिन मेरा पक्ष मिल। मतलब आपको भी नहीं पता आपके साथ कौन कौन है? नहीं पता है सब, लेकिन हम साइलेंस है। आप साइलेंट हैं, आप मतदाता को साइलेंट बता रहे हैं, तो फिर आप किस दावे के साथ कह रहे हैं कि आपका मतलब कि आपकी जीत निश्चित है? निश्चित है, जब समुद्र में लहरें थमती हैं ना, तो जब उठती है तो फिर सब कुछ लेके निकलती है, वही हालात हमारे हमारे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि आपके भाजपा नेताओं की तरफ से ही ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस गुंडागर्दी की जाएगी, गुंडागर्दी का चुनाव जीते जाएंगे, आप क्या मानते हैं गुंडागर्दी संभव है? राजनीतिक प्रतिद्वंद हो सकता है, लेकिन अन्य प्रत्याशियों के साथ आपके संबंध कैसे हैं? बढ़िया जी, बढ़िया। चलिए, आखिर में आप वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है और जैसा कि हमने कहा भाईचारा बना रहे, तो आप क्या वार्डवासियों को संदेश? मैं तो वार्डवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ, मैंने अगर काम किया है, मैं तो काम के सिर पे वोट मांग रहा हूँ, मैंने किसी को भी निराश नहीं किया, कोरोना काल में भी पूरी सेवा की है। अगर मैंने सेवा की है तो मैं वोट का हकदार हूँ। ये थे वार्ड 12 से BJP प्रत्याशी पूरन चंद जसूजा, जो पहले भी पार्षद रहे हैं,
और इनका आरोप है कि कांग्रेस ने इन्हें सही ढंग से काम नहीं करने दिया अपने शासनकाल में। अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि फिर से फाजिलका में भाजपा का बोर्ड बनेगा और भाजपा के द्वारा शहर के विकास कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। हम जी सर, कुछ वार्ड बंदी अब नहीं लगी है, हमारे डेरा सच्चा सौदा लगा है, वहाँ बहुत बुरा हाल है। मैं 2-3 बार जाके आया हूँ, लोगों की वहाँ डिमांड है, सीवरेज तो पड़ा है लेकिन मूलभूत सुविधाएं कुछ भी नहीं है। मैं वो पहल के आधार पर कराऊंगा क्योंकि मेरे माधव नगरी में 100% काम हो चुका है। अब वही डेरे की तरफ है जो नया वार्ड लगा है, एरिया लगा है बूथ नंबर 27 का, उसकी पहल के आधार पर, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, उनको मूल सुविधा मन दुखता है, वो भी शहर के वोटर हैं जी। नए जुड़े इलाके जो कि ये बता रहे हैं कि डेरा सच्चा सौदा कॉलोनी का एक हिस्सा इनके वार्ड के साथ जुड़ा है, उस इलाके के विकास के दावे के साथ ये चुनाव मैदान में उतरे हैं। और इसी तरह हम आपको आपके जो प्रत्याशी हैं उनके साथ मुलाकात करवाते रहेंगे। अगली कड़ी में हम प्रत्याशी से मुलाकात के सिलसिले में नए प्रत्याशी से मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए सरहद केसी के साथ। धन्यवाद।